हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक और मूवी जिसका नाम है द गिल्टी। मूवी में हमें नजर आते हैं जैक गिलेनहॉल, और ये मूवी ऑफिशियली रीमेक है 2018 में एक डैनिश ट्रेलर मूवी जिसका भी नाम द गिल्टी ही था। खैर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, जिसकी ओवरऑल लेंथ 1 आवर 31 मिनट की, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। एंड मैंने इस पर्टिकुलर मूवी को सिर्फ एक ही रीजन से देखा है, वो है जैक गिलेनहॉल। अब देखना है कि क्या मिस्टेरियो इस पर्टिकुलर मूवी को बचा पाते हैं या नहीं। देखो यार, मूवी की कहानी सिंपल सी ये है कि जैक गिलेनहॉल यहाँ पर रोल प्ले कर रहे जो जो कि एक कॉप है, मगर अभी वो फिलहाल काम कर रहा है एज अ 911 एमरजेंसी ऑपरेटर। अब ऐसे में कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब जो को एमिली का कॉल आता है। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। फिर बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो देखो यार ये एक ऑफिशियली रीमेक मूवी है, तो ओरिजिनल मूवी जो थी इसकी डैनिश ट्रेलर मूवी वो मैंने नहीं देखा तो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर रीमेक की बात को तो इट्स एन के मूवी। फिर अगर बात करेंगे इस मूवी के कुछ प्लस पॉइंट्स की, तो सबसे मेन पॉइंट है जैक गिलेनहॉल का परफॉर्मेंस। और यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस के थ्रू जैसे वो अलग अलग लोगों से बात कर रहे, चाहे वो एमिली से बात करो, चाहे वो एक छोटी बच्ची से बात करो, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर से बात करना हो, तो जो एक्सप्रेशन उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे थे ना, वो लोगों से बात करते थ्रू वो देखने में बहुत मजा आ रहा था। ऑल दो मूवी में कुछ खास ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, बस आप लोग इस पूरी मूवी के दौरान जो वो वॉइस सुनाई देती है वो लड़कियों की या वो पुलिस ऑफिसर की, तो आप लोग आंखें बंद करके बस इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये सारी चीजें हो रही होगी। मतलब वो आपको खुद ही विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको ये मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अच्छी लगी, लेकिन जो इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो निहायती बोरिंग है। और मुझे लगता है कि जो हमारे इंडियन ऑडियंस है वो इस पर्टिकुलर मूवी को एकदम नकार देंगे, मतलब उनको शायद ये मूवी पसंद आए। और जिनको ये मूवी पसंद आएंगी पता नहीं उनका क्या टेस्ट है, मुझे ये मूवी ओके लगी यार, कुछ थी वो नहीं लगी। मूवी की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो जैसे कि मैं कहा पूरी की पूरी मूवी एक कॉल सेंटर में शूट हुई है, तो बस उसको अच्छी तरह से शूट किया और मैक्सिमम आपको जैक गिलेनहॉल के फेस देखने को मिलता है, फ्रंट से, नीचे से, ऊपर से, इधर से, उधर से, थोड़ा दूर से, थोड़ा जूम करके, मतलब बस वही सारी चीजें, बस बस पूरा आपको जैक गिलेनहॉल को दिखाया है। और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में से एक है, एटलीस्ट मुझे लगते हैं वो हॉलीवुड के। खैर उसके अलावा बीजीएम ओके है, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है, स्क्रीन प्ले भी मतलब ठीक ठाक ही है यार। मूवी अगर आप लोग को देखना तो देखो, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी। और परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जैक गिलेनहॉल इसका जिस तरह से परफॉर्मेंस है इस मूवी में, बस वही एक चीज है जो बचा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टीरियो इस मूवी को बचा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ टोटली टाइम वेस्ट मूवी फॉर मी। अब आप लोगों को टाइम वेस्ट करना तो जरूर करो, पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में कुछ भी अश्लील नहीं है, आप अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10। जब मैंने 5 बोल दिया तो फिर उस मूवी को नहीं देखो तो ज्यादा बेटर है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जो करना है करो यार।